क्वेश्चन नंबर पहला फ्रेंड्स, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो नव निश्चयवाद संकल्पना का जो प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रिफिथ टेलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेखी। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच पाइप लाइन क्या प्रवाहित करता है? तो बिग इंच पाइप लाइन जो प्रवाहित करता है फ्रेंड्स, वो करता है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1106। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो अवस्थित है फ्रेंड्स, वो है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है हाजीपुर। ओके, इसका जो सही आंसर है वो है हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लोह अयस्क प्राप्त करता है? इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स, वो है भद्रावती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो खनन जो है फ्रेंड्स, वो है प्राथमिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं अग्रणी राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आगमी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स, 2021 में, 2021 में भारत में आगामी जनगणना होने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगरी के क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय फ्रेंड्स, वो है जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संदेशों का जो आदान प्रदान कहलाता है फ्रेंड्स, वो कहलाता है संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन कौन सी क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तृतीयक क्रियाकलाप का। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी बागान को जो कहा जाता है फ्रेंड्स, वो है फेंजेडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या फ्रेंड्स, वो है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? इसका जो राइट आंसर है वो है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, आईटीडीपी किस संदर्भ में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स, वो है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है फ्रेंड्स, वह है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 74.04। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस विद्वान ने निर्मित किया? तो इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो रबर का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है फ्रेंड्स, वह है मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गेहूं में।
अगला क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी जो है फ्रेंड्स, वह है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना फ्रेंड्स वो है, यहाँ पे आंसर है बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है फ्रेंड्स वो है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यास नदी से। अगला क्वेश्चन है, देश के सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? इसका जो सही आंसर है वो है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि फसल किस ऋतु में पैदा होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रबी फसल किस ऋतु में पैदा होते हैं? तो रबी फसल जो पैदा होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय आबादी हैं? तो भारत में जो नगरीय आबादी फ्रेंड्स वो है 31%। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या फ्रेंड्स वो है 9। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है महाराष्ट्र में, जो अप्रवासी होते हैं फ्रेंड्स वो सबसे अधिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में जो पूर्ण जनगणना पहली बार हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? तो भारतीय रेल की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1853 में। ओके, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो जो सुंदरवन स्थित है फ्रेंड्स वो है पश्चिम बंगाल में। ओके, इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है समुद्र और वायु द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? तो जो इसका सही आंसर फ्रेंड्स वो है केंद्रीय सरकार पर। ओके, इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो जो भारत को चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है फ्रेंड्स वो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लोहा इस्पात कंपनी कौन सी है? तो जो भारत में सबसे पहले स्थापित की गई थी लोहा इस्पात कंपनी वो है टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी। ओके, अगला प्रश्न है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है फ्रेंड्स वो है केरल में। इसका जो सही आंसर है वो है केरल। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? तो जो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य है। ओके, दसवां क्वेश्चन है, कौन सा खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरित क्रांति संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जो इसका सही आंसर है वो है चक्रीय संसाधन। 13 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, देश के सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर किस राज्य में है? तो जो उदयपुर स्थित है फ्रेंड्स वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो जो सन 2001 की जनगणना के अनुसार जो राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है वह है तमिलनाडु। ओके, अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो जो नव निश्चयवाद से जो संबंधित है फ्रेंड्स वो है टेलर। ओके, अगला प्रश्न है, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन है? तो जो मानव विकास के जो मूलभूत क्षेत्र है फ्रेंड्स वो है स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढलाओं पर की जाती है? तो जो इसका सही आंसर है वह है चाय। चाय की खेती पहाड़ों की जो ढलान क्षेत्र होती है फ्रेंड्स उस पर की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण कौन कौन है? तो जो तृतीयक क्रियाकलाप का जो उदाहरण है वो है व्यापार और परिवहन। ये व्यापार और परिवहन तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो जो विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग जो जलमार्ग है फ्रेंड्स वो है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग।